Ladies and gentlemen, may I come in? Assalamu alaikum, welcome, bismillah, fakhair, raag, le, jiyanu. Oh my god, after a long, long time, I'm again here. In front of all of you guys, and I'm very, very, very happy. आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस हसीन से शो में जिसका नाम अब कौन नहीं जानता. अभी ना जाने कितने चेहरों में मुस्कुराहटें बिखर गई होंगी, कितनों पे बिखरने वाली होंगी. जिन पे बिखरी हैं डेफिनेटली वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और वो जिनके ऊपर बिखरने वाली हैं जो आज हमारे फैन, हमारे चाहने वाले या हमारे जानने वाले बनने वाले हैं, डेफिनेटली आज उनको हम बहुत सी चीजें गिव अवे में देने जा रहे हैं, मतलब फ्री गिफ्ट्स देने जा रहे हैं. वो फ्री गिफ्ट्स क्या है? वो है खुशी के कुछ लम्हात, अच्छी अच्छी कुछ बातें और मोहब्बत के कुछ हसीन पल. तो जी मोहब्बत के इस सफर में और FM 101 इंटरनेशनल में मैं आज साहिल एजाज आपका साथ देने के लिए तशरीफ ले आया हूँ. आखिरकार इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, सरगोधा, झांग, कराची और कश्मीर और जहां 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 से मुझे सुना जा रहा है और जहां से नहीं भी सुना जा रहा, मेरे अपने शहर और मेरे पड़ोसी शहर रावलपिंडी से जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस्लामाबाद से और रवात, मंदरा, ये जिधर तक जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों का बहुत शुक्रिया. बल्कि इंटरनेशनली जितने भी लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो जिस भी कंट्री से हैं, और मैं उन सबको वेलकम करना चाहूंगा आज के इस FM 101 इंटरनेशनल. और सबसे पहले कान पकड़ के माजत करना चाहूंगा कि मैं जरा कान पकड़ता हूँ, ईमानदारी करते हैं. ये मैंने अपना एक कान जो है उल्टे है लेफ्ट हाथ से पकड़ लिया है, और ये पिछले हफ्ते की सॉरी है कि पिछले हफ्ते को मैं नहीं आ पाया, और आप इसे बहुत लोगों ने इंतजार किया था और बहुत लोगों ने मुझे बता दिया, कुछ लोग बता नहीं पाए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम सॉरी कि मैं पिछले हफ्ते नहीं आ पाया. मैंने एक उससे पहले एक्सक्यूज कर ली थी कि मेरा एक शो होगा, शायद उस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, और माई अपोलॉजीज, बट स्टिल आई मिस्ड यू अ लॉट, और मैंने वहां पर आप सबको बहुत मिस किया, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं से आने आज वहीं से लाइव आके आप सबका साथ दूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये एक्सेस जो है हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियो में आकर ही मिलती है, वहां पर नहीं मिलती. और वो इतने सालों में मेरी पहली छुट्टी थी जो कि मैं लेना नहीं चाह रहा था, बट मजबूरन चाहते ना चाहते वो चीज हो गई. बट उस चीज की अपोलॉजीज मैंने कर ली, और इस अपोलॉजीज का एक अच्छा इंप्रेशन ये पड़ा कि हम सबको जब कभी भी जिंदगी में कुछ गलत करें तो उसको मान लेना चाहिए, और गलत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गलती ही करनी होती है. अगर किसी का दिल टूट जाता है जाने अनजाने में तो ये भी आपकी गलती होती है, तो उसको मान लिया करें और मानने के बाद सॉरी करके आगे बढ़ा करें. तो मेरे प्यारे प्यारे साहियंस, मेरे लिस्नर, मेरी फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं मुझे जानना है. कुछ देर में फेसबुक पोस्ट जो है वो लग जाएगी, फेसबुक पोस्ट लगने वाली है, और उसके बाद डेफिनेटली हम आपसे रास्ते में शुरू हो जाएंगे. हमसे फेसबुक से आपने किस तरह से अप्रोच करना है और हमसे बात कैसे करनी है. मैं और मेरे अंदर का इंसान, इसको मैं हम कहता हूँ, मैं और मेरे अंदर के इंसान को हमसे, हमको किस तरह से बात करनी है, मतलब आपको मुझसे किस तरह से बात करनी है, बहुत सिंपल है. मुझसे रब्ता करना बहुत आसान हो चुका है टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में. डेफिनेटली हमारा और आपका जो चैनल है, मतलब आपका मुझ तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो बहुत हसीन, बहुत और बहुत सुंदर हो चुका है. वो क्या है, किस तरह से आप हम तक आ सकते हैं, किस तरह से अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपने अपने प्यारे प्यारे अंदाज, अपने हाथों की उंगलियों से निकाल के हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने ख्यालात को किस तरह से सवार सकते हैं, वो सब चीजें हमसे किस तरह से शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके कुछ रास्ते होते हैं. आइए उन रास्तों को अपनाते हैं और सीधा शामिल हो जाते हैं इस शो में जिसको कौन नहीं जानता, अब तो बहुत लोग जानते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम यहां पर हैं, और कहां कल को जहां भी होंगे, जहां कहीं भी होंगे, उसके
पीछे वजह आप लोगों का प्यार, आप लोगों का खलूस, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की चाहत, यही सब होने वाला है। सो अब क्या करते हैं जी, मुझसे रब्ता करने का तरीका बहुत सिंपल है। राइट टू मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी, कहां से बात कर रहे हैं, लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर, 4471 पर सेंड करना है और मुझसे रब्ता करना है, मुझसे बात करनी है, मेरा हाल चाल पूछना है, अपना हाल चाल बताना है और उसके बाद फिर शो को गर्मा गर्मी में शुरू कर देंगे। और उसके बाद डेफिनेटली आप लोग मुझसे फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं, कुछ देर में फेसबुक की पोस्ट लगने वाली है और वहां पर आप मेरे साथ किस तरह से देंगे, वो इस तरह से देंगे कि आपने क्या करना है, फौरन से पहले फेसबुक की सर्च बार पे जाना है, FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखना है और वहां से हमारे साथ जुड़ जाना है। और एक और तरीका है, दैट इज इंस्टा एंड ट्विटर, दो है बेसिकली, वैसे तो तीन भी है, इंस्टा ट्विटर से हमारे साथ आ सकते हैं, FM 101 PBC लिखिए और आ जाइए सीधे शो में और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0511100101101101। सो इको सिस्टम में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं और FM 101 इंटरनेशनल को रेली इंटरनेशनल कौन बनाता है, वो बनाते हैं आप लोग, आप लोग, हम लोग मिलकर इस शो को आगे लेके जाते हैं। तो उस वाले से मैं एक याद ताजा करना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रैक जो काफी अरसे से मेरे दिल मेरे दिमाग में खड़खड़ा रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे अकेले को क्यों सुनना है, मैं आप सबके साथ क्यों ना सुनू उसको। इस ट्रैक को कौन जानता है, इस ट्रैक को कौन जानता है, प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर मैं आपसे कुछ निशानी मांगू तो क्या मुझे देंगे? अगर साहिल्स क्या मैं आपसे कोई निशानी मांगू तो क्या मुझे देंगे? अगर आपसे कोई निशानी मांगे तो क्या आप उसको देंगे? आपने उसको ये गाना डेडिकेट कर देना। तो आज से पहले किसी ने किसी को निशानी मांगी तो उसके लिए ट्रैक है। अरे देखिए, 90s के सॉन्ग्स जितने ब्रांड सॉन्ग्स होते हैं और बस हमारे लिए मोहब्बत रखते हैं, ये वो हिस्ट्री है, ये वो हिस्ट्री है जो हम चाह के नहीं इग्नोर कर सकते, ये वो हिस्ट्री है जो हमारी बेस है, जो हमारी चाहत है, हमारे लिए सब कुछ है। तो अपनी हिस्ट्री की इज्जत करना सीखिए, डेफिनेटली एक दिन आपको भी इसका हिस्सा बनना है। तो चलना दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चलना दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। कितने अरसे बाद इस ट्रैक को मैंने सुना और किस तरह सुना, मुझे याद है ये शायद मैं बहुत पहले कहीं सुना था। इस ट्रैक को थोड़ा सा एंजॉय करें, बीच में डेफिनेटली मैं उड़ता हुआ आपके पास वापस आ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम हियर 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 विद यू टिल 3 मुझे दोपहर का टाइम याद आ गया, 2 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। ये 2 बजे का वक्त किस तरह से गुजरेगा ट्रस्ट मी पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सी चीजें आपके लाए हो और मेरे अंदर का जोश वल्ला सब आपके सामने आपकी मुस्कुराहटों के लिए बिछा देंगे, बिखेर देंगे, आपके लिए ये फूल बरसा देंगे, बस रहिएगा इधर ही, नहीं तो चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी।
मंगदा है तेरे दिल दा जानी ओ चला दे जा निशानी तेरे डॉक्टर है ना पाकिस्तान लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू फाइनेंस एंटरटेनमेंट हियर विद आरजे साहिल जा Welcome to this beautiful. Let me just take you to the next level of tomorrow, man. And it's your RJ DJ, your friend, your host, your boss. कौन जानता है मुझे वैसे आपसे आप अच्छा आप भी क्यों लोगों को भेजते हैं अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया आपका मैसेज आने का मैं आज साहिल जहाज आपके साथ देता हूँ हर कब Let me check. कभी-कभी आगे भी चलता रहता है. That is हफ्ते की रात को 12 से 2, मंगल की रात को 12 से 2 and जुमे के दिन को 1:30 से 3. Now finally दोपहर में. हम इससे पहले कि आप सब मुझे वेलकम करें और मुझे दिल से सराहें और मुझे इतना सारा प्यार दें. Ladies and gentlemen, welcome to FM 101 International, जो के मैं आपके साथ देता हूँ इसमें हर दफा ये क्या कहते हैं इसको 12 से लेकर 2 बजे तक अच्छा मौज होती है मस्ती होती है थोड़ी बहुत शरारती होती है और कुछ सेंसिबल बातें होती है तो सेंसिबल लोगों को सेंसिबल बातें अच्छी लगती हैं और फाइनली मेरी पोस्ट लग चुकी है फेसबुक पे आई वॉन्ट एवरी वन टू बी देयर और वहां पर जाइए FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए और फौरन से पहले मेरी पोस्ट पे जाइए एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू जस्ट गिव मी योर फीडबैक मुझसे बातें Easy, I want you to talk with me. मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे बातें करें ढेरों बातें करें और बातें करते करते कुछ दिल की हाल अगर बताना चाहें और कुछ हल निकालना चाहें उसका सो आई एम डेफिनेटली हेयर टू डू दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस मुझे कुछ इतना आता नहीं है बट जितना आता है उतना काफी है आप लोगों के लिए और आई एम हेयर टू चेंज टू क्रिएट और इस डिफरेंस को इंशाल्लाह हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे बेहतर करेंगे इस टाइम अगर आप लोग अकेले आए हैं तब भी आपका बहुत शुक्रिया अगर किसी फ्रेंड और फैमिली को लेकर आए और आप चाहते हैं उनको सलाम दूं उनको प्यार दूं और उनका बहुत शुक्रिया तो आपकी तरफ से जिस लोगों ने जिसको आज रिकमेंड किया और जो पहली बार सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया आदाब अर्ज तस्लीमात कीजिए और इस सलाम और इस आदाब को इस नाचीज की तरफ से एक्सेप्ट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एंटरटेन करने की और एक परफेक्टली एक जुनूनी और होश में करने वाली और रहने वाली एक आपको एनर्जी देंगे जो कि आपको इस रात के पहर में फिर भी बेशक रात का पहर है बट एक नई दिन की शुरुआत है एक उम्मीद का एक ऐसी किरण हम आज भी उजागर कर सकते हैं आज भी हमारे पास वो वक्त है कि हम उसको बेहतर कर सकते हैं सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इनपुट्स जिसको हम लेकर एक अच्छी सी चिंगारी जलाएंगे और उस चिंगारी से हम बल्ब बनाएंगे तो आइए अपने दिमाग का बल्ब रोशन करते हैं और मिलकर शो का हिस्सा बनते हैं Gal sana, şiltini ne dinler
तुम्हारे साथ जी मौजूद हैं जी भाई जन, क्या ठीक ठाक जी हमारे साथ था जो आप और सबका शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारे साथ जी आलू कराची से हैं। आलू कराची से, मैं तोरी इस्लामाबाद से। कमाल है जी, माशाल्लाह। उसके बाद जी हमारे साथ जी मौजूद हैं सलाम साहिल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पहली बार मैसेज कर रही हूँ, साथ ही फरमाइश कर दी। मुझे समझ नहीं आती, पहले जान पहचान बनाते हैं उसके बाद फरमाइश करते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ सुनने के लिए आते हैं, ट्रैक सुनने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं और ट्रैक्स अगर ही सुनने हैं, बट स्टिल डेफिनेटली मैं आप लोगों की चीजों को मद्देनजर रखता हूँ और अच्छे अच्छे ट्रैक्स लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे ट्रैक्स भी हम लाते हैं जिनको हम भूल चुके होते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था कुछ ऐसे ट्रैक्स लाऊं जिनको हम भूल चुके हैं, अगर नहीं तो हमारे साथ हैं पर कहीं ना कहीं हम उनको सुनने में जो है आगे पीछे हो जाते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में कहीं दूर चले जाते हैं और मैं आखिरकार चुन के उनको बाहर निकालता हूं। सर जी मुसद्दिक तलाकगंज से मौजूद हैं। राजेश हल कैसे? मेरे को ठीक ठाक, आर्मी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को सलाम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम भाई, आज मेरी सालगिरह है शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया। और डेफिनेटली अगर मुझे बताया है तो मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं, दैट्स टोटली अनफेयर। मेरी बर्थडे भी आने वाली है। वैसे किस किस को मेरी बर्थडे के बारे में पता है कि वो कब है, कैसी है, कहाँ रहती है, लाइक मतलब कब आती है? असल में ये इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोगों को मेरी बर्थडे के बारे में पता होगा, पता नहीं आप लोग मुझे कैसे विश करेंगे। मैं लिटरली बड़ा सस्पेंस में, आप पता नहीं क्या करेंगे क्योंकि मेरी पहली जो है बर्थडे होगी आप लोगों के साथ। बट स्टिल अगर आपकी बर्थडे है तो डेफिनेटली इट्स माय ड्यूटी टू जस्ट गिव यू अ वेरी बिग हार्ड ऑफ अप्लॉज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शहबाज, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मेनी मोर। एसआरजे मिलेगा कहां, एसआरजे मिलेगा कहां जो आपको हैप्पी बर्थडे करेगा। सो वी कॉल द birthday celebration. Come on, turn your radio on. It's Friday night, and I won't be long. Come on, guys, turn on your radio station. And I won't be long till I... which is called FM 101. I'm live. I'm live and alive. Oh my God. कितना मजा आता है ना, लाइक ये बड़ी मजे की फीलिंग होती है। इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप ये देखिए कि इस माइक के थ्रू मैं कितने लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं ना। ओह माय गॉड, इट्स सो लाइक यू कांट से, आई कांट इवन हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट लिटरली इट्स वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। एंड यू वॉन्ट बिलीव मेरा दिल नहीं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं ऐसे दिल निकाल के सामने रख दूं इस माइक के और आप सब लोगों के सामने। लेकिन लिटरली इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी और आज मैं उसको फील कर रहा हूं। और मेरा पता क्या दिल कर रहा है, मैं ये माइक को पकड़ के कुछ ही करूं कि ये इंसान को कहां से कहां ले जाता है यार। लिटरली दैट मींस अ लॉट। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ इस तरह जिस तरह से मुझे मिलता है, और मैं लिटरली अपने आपको डिजर्व नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। मतलब मैं अपने को बड़ा ही कमतर और बड़ा ही नॉर्मल और इतना इंसान समझता हूं, बट स्टिल आप लोगों के प्यार की वजह से आज अगर मैं यहां पर कहीं भी मौजूद हूं, कहीं भी अलिफ वे पे जिस भी कंडीशन पे मौजूद हूं, तो मुझे लगता है कि उसके असल हकदार आप लोग हैं। तो इस हवाले से फिर मैं ये क्यों ना कहूं। सुनते जाइए। मैं जो थोड़े नाल रवाते थानू चले तू साहिल। अरे आपके पास आरजे साहिल इजाज है, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है? क्या टेंशन, क्या फिकर, ना फाका रे ऐशकर काका। किड़ 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 मैं जो थोड़े नाल रवाते थानू का दिया हां जी नाल 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 चले मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार।
दैट्स अनफेयर। अगर आप लोग किड़ किड़ पे अपना मुंह नहीं ला रहे तो दैट्स अनफेयर। दोबारा मेरे साथ किड़ किड़ करना मुश्किल नहीं है, आपके जबड़ों की एक्सरसाइज होगी। तो आइए मिलकर अपने जबड़ों की एक्सरसाइज दोबारा से करते हैं और इस गाने को सुनते हैं। यार आप लोग कितने अजीब लग रहे, कितने डिफरेंट लग रहे थे, किड़ किड़ करते दोबारा से। दोबारा किड़ किड़ कहन किणा कण कि ग्रहां मैं जो थोड़े नाल रवां ते थानू का दियां फिकरां मेरे नाल 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 चले gentlemen. After this cricket and lovely moment, just want to know that where are you right now? Where are you now? Just tell me. I just want to see you all, man. आप लोग घर में हैं, बिस्तर में हैं, बाहर हैं, सफर में हैं, जहां भी हैं। I want to see you in my show. अच्छा मजाक की बात है, इससे अगर आप लोग मेरे सामने होते ना तो मैंने आपको बैठने नहीं था देना।
लिटरली होता ही होता है ये चीज। कई बार इस तरह से इत्तेफाक हो जाता है कि जब एनर्जी के लेवल इतने ज्यादा, ये लिटरली मैं आपको उधार वापस कर रहा हूँ, जो पिछले हफ्ते का उधार था वो मैं इस तरह से वापस कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ और ज्यादा एनर्जी से कंट्रीब्यूट करके हम इसको और बेहतर बना रहे हैं। ऑल बिकॉज ऑफ आई थिंक एंड आई बिलीव दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन योर लाइव्स। एंड इस तरह से हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेशर हो गया, अभी थोड़ा सा अब एक्टिव हो गया, अब शो को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। फाइनली जागो पाकिस्तान के जो नारा है ना मेरे साथ, इसको हमने लगाना है, जब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। लिटरली आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी न्यू, और उसके बाद फिर डेफिनेटली 1 बजे के बाद मस्ती करेंगे, सवाल जवाब और लाइव कॉल्स लेंगे, तो कहीं भी ना जाइएगा। और इस शो के अंदर जोक दर जोक जो है पार्टिसिपेशन कराते रहिए, बढ़ाते रहिए। और हमें जा सकते हैं फेसबुक की तरफ और वहां जाके लिख सकते हैं क्या FM 101 चैनल पाकिस्तान, लिखिए फौरन से पहले और देखिए फिर होता है क्या। देन उसके बाद राइट मैसेज में जाइए, ओह माय गॉड 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। इकरा खान लाहौर से, वेलकम ब्रदर, आपका शो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। एक्जेक्टली, थैंक यू। उसके बाद जी हेलो इन्होंने कहा है और नाम नहीं लिखा, दैट्स ग्रेट, होता है। हमारे साथ जी नीला मौजूद हैं इस्लामाबाद से, कह रही हैं कि शो की तारीफ कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जी अली जे मौजूद हैं रावलपिंडी से और कह रही हैं कि शो बहुत अच्छा जा रहा है, नाइस, थैंक यू वेरी मच। और फेसबुक की तरफ जाते देखते वहां पे कौन कौन लाहौर से हमारे साथ आमना मौजूद है और शो को पसंद कर रही है, थैंक यू वेरी वेरी मच। और अब हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स फेसबुक, और वैसे जाएंगे या ना जाए थोड़ा सा इनको काम करने, बट स्टिल मैं मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स आज मैं जाके थोड़ी सी अटेंडेंस लगवा लेता हूँ, देखते हैं वहां पे कौन कौन हमारे साथ आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम आरजे सानिजा, दिस इज शान जे फ्रॉम दोताला, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। इमरान अलवी हमारे साथ, चकते फटे और आरजे सालसी फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी USA, थैंक यू वेरी मच इमरान अलवी। Would love if you play PPR for this time, you know, Imran, thank you very much, you give me a very good, suggestion, but the point is that the time is very short right now, and I have to, close this up, but for soon, for the next, I'm sure if you're gonna just tell me before I start the show, and then definitely I'll gonna, extract these kind of songs for you all, but still, thank you very much for just approaching us from that much far. आपका प्रोग्राम पहले दफा सुन रही हूँ, हुरिया फातिमा वैसे मौजूद हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्पेशली किड़ वेरी ग्रेट। चले जी आखिरकार किड़ से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। इट्स आयशा शेख हमारे से मौजूद है, खानी साहिल वेयर आर यू, उन्होंने बुलाया है किसी को, दिल अवेज गुल हमारे से मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इट्स आयशा शेख और साहिल जाज, याद है आपके, याद है इनको, याद है मेरी बर्थडे 12 दिसंबर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आयशा शेख हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद वकार हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, इनके आज पसंदीदा ट्रैक्स जो लग रहे हैं, मोहम्मद वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अस क्लोज ऑर्डर। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो किसी की बुरी बातों से, किसी के बुरे कुछ कहने से, इंसान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अच्छे से अच्छे ग्रो करना चाहिए। अगर लोगों, बस मैंने हमेशा से एक बात की है कि आपको जिंदगी में लोग पत्थर मारते हैं, और मैं मानता हूं मुझे भी बहुत लगते हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग बस मतलब हवा में चलते हैं कि हम भी जमीन पर चलते हैं, इन सब बातों इन सब लोगों के बीच में चलते हैं, तो अगर कभी पत्थर लगे तो उससे क्या करना है, उससे हमें पुल बनाना है, दीवार नहीं बनानी है, तो इट्स समथिंग पॉजिटिव, हमेशा चीजों को पॉजिटिव लिया करो, दैट्स ग्रेट। और जी उसके बाद जी कदीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और वेलकम फ्रॉम बरेली, थैंक यू, और वाह 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 कह रहे हैं, अरे किरकिर किरकिर कर रहे हैं, दिलवेज को बड़ा चला गया, कहीं एनर्जी चेक करें जी, एनर्जी तो उधार है जी, और जी वाह 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 कह रहे हैं हमारे साथ वकास साहब, वो इतना वाह वाह कर दिया कि लिटरली वाह वाह अगर मैं करता रहूं तो शो खत्म हो जाएगा, इतना वाह कर दिया, बोल थैंक यू वेरी मच। तो हम आगे कैसे, सही है साहिल भैया जान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जिद्दी लड़की हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, नाइस एनर्जी शो, थैंक यू वेरी मच। साहिल भैया चांद क्यूट और चांद, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सॉन्ग चला दें, चलिए सॉन्ग चला दें,
थैंक यू शान जी, बहुत शुक्रिया। देखो सारी बातें आपने करते करते डेडिकेट भी कर दी थी जवानी को, और आई डू बिलीव कि सॉन्ग्स वगैरह चलते रहने चाहिए, बट कुछ तो हम पे छोड़ा करें, ट्रस्ट मी अच्छी लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो फिर गिला कीजिएगा। और जी हमारे साथ धन कौन 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 मौजूद है, हमारे साथ बहुत से लोग आते जा रहे हैं, और थैंक यू सेल्बा, इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नहीं कुछ होती है बकास। और जी इकरा खान रेडियो ऑन है, जी रेडियो ऑन, एक लाइन मतलब हमें रेडियो फाड़ना है, फाड़ फाड़ के लोगों को सुनाना है कि ये रेडियो पे क्या होता है, क्या होता है, बताऊं मैं क्या होता है। नाउ आई एम ट्यूनिंग मायसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, हां, सो जस्ट ट्राई 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 टू लर्न मोर एंड मोर व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस शो। सो द पॉइंट इज दैट नाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग मायसेल्फ टू द लीडर, टू द पर्सन हु जस्ट रियली वांट टू गिव यू समथिंग वेरी वेरी परफेक्ट। नाउ 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 3 2 1 बिगिन। Today I'm going to talk about something, blame. Mostly in our lives, we used to do blames. हम इल्जाम तराशी करते हैं, कई बार खुद पे, कई बार किसी पे, कई बार कुछ, कई बार कुछ, कई बार कुछ, बहुत सी जगहों पे हम ये सब करते हैं। I do believe. I'm sure आप सब भी कभी ना कभी जाने जाने में इस तरह की चीजें करते होंगे। क्या करते होंगे, सवाल तो ये पैदा होता है, हमारी बात से किसको कितनी कौन सी तकलीफ पहुंचती है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इस बात ने अगले बंदे के दिल में कितनी तकलीफ डाल दी। Can anybody tell? And maybe that's the problem, I don't know how to take it away. The point is that we don't even know कि हमारी वजह से किसी का कितना दिल दुख सकता है। We don't even know this. जानना चाहे भी तो मुश्किल हो गया। हमारे लव्स किसी के दिल में कितना घर करते हैं और किसी के दिल को कितना चीर देते हैं, हमें नहीं पता। Trust me, हमें पता है। हमें कैसे पता है? How do we know? कि हम किसी को कितना तकलीफ देते हैं, किसी को कितना खुश करते हैं। हमारे अंदर एक छाननी होनी चाहिए। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, तोलो तोल के बोलो, ये जबान ही होती है जो इंसान को तक चढ़ा देती है, और ये जबान ही होती है जो कि इंसान को फांसी पे चढ़ा देती है। इंसान जैसा भी हो, बाहर से जितना अच्छा सूटेड बूटेड हो, अच्छा पहना हो, अच्छा परफ्यूम लगाया हो, पर जैसे ही वो मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि उसके अंदर की दुकान सोने की है या पीतल की। ये सब लाइन्स हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, शायद नहीं, कुछ लोगों के लिए ये नया होगा, कुछ के लिए सच में सुना सुनाया होगा। सो व्हाट शुड वी हैव टू डू, हमें अच्छा बनना है, मान लिया, कैसे बनना है, हाउ हाउ वी कैन बी गुड, हाउ वी कैन बी दैट पर्सन जो लोगों का दर्द रखना जानता है, समझता है। हाउ वी कैन बी, वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस बिलोंग्स टू अस। हाउ, कितने सवाल है हमारे पास खुद को देने के लिए या खुद से पूछने के लिए। एक सपना मां के बंद करके देख सकते हैं, आंखें खोलते ही वो टूट जाता है। I just want to give you a small example. You just close your eyes with me. Close your eyes. आंखें बंद कीजिए अपनी. And now, I'm this time, मैं आपके साथ हूं. हम एक बहुत शानदार सी गाड़ी में बैठे हैं. हम एक ड्राइव पे जा रहे हैं, लाइक इट कुड बी नियर ओशन। हम एक ओशन है, लाइक दरिया का किनारा है, उसके साइड पे बहुत प्यारी सी रोड है, बहुत प्यारे दरख्त हैं। आंखें बंद करिएगा,
खोलनी नहीं है। बहुत सनी सा वेदर है और बहुत मजा आ रहा है। आप मेरे साथ बैठे हैं, हम ड्राइविंग में, आपका ड्राइवर कैप्टन है, हम जा रहे हैं। बहुत मजे का ट्रैक लगा हुआ पीछे, जैसे मैंने भी लगा दिया। आप मुझसे बातें कर रहे हैं, ये जो गाड़ी के मालिक हैं वो आप हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर चलाने के लिए मांगी है। हाँ, खुश हो गए, चलो ठीक है, आंखें बंद ही रहने दीजिएगा। हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किस्मत तकदीर हमें लेके जा रही है। आपकी जेब में बहुत से पैसे हैं, इस टाइम आपके हाथ में एक बहुत महंगी घड़ी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। आप बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ठंडी ठंडी हवाएं आपको सच में ठंडी लग रही हैं। अचानक क्या होता है, अपनी आंखें खोल लीजिए। ओह माय गॉड, ना गाड़ी है, ना पैसे हैं, ना साथ में मैं हूं, ना वो ओशन है, ना वो रास्ता है, तो सपना तो टूट गया। तो क्या करें, अब तो ये पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ये पूरा हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ। प्लीज फॉर गॉड सेक, इन सब चीजों के ऊपर सोचना छोड़ दीजिए। जो सोच आपके लिए नहीं बनी, ये सोचना आपका नहीं है, ये सोचना आपका काम ही नहीं है कि मेरे लिए हुआ है, मैं गरीब हूं, मुझे ये नहीं मिल सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं, मैं इसको पा सकता ही नहीं, मैं इसके काबिल ही नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं, तेरी इतनी औकात ही नहीं, तू कुछ है ही नहीं, तू कुछ बन सकता ही नहीं, तेरी ही नहीं। दिस इज ऑल फेक, ये सब झूठ है, ट्रस्ट मी, ये सब झूठ है। सबसे बड़ा सच क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है जिस पे मैं क्लोज करना चाहूंगा, दैट इज कि तुम मेरे खुदा से मांगते जाओ, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकेगा। सबसे बड़ा सच ये है, अपने यकीन की डोर को मजबूत कर लो, जिंदगी की खुशियों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। सबसे बड़ा सच ये है, कभी तकलीफ में हो, अकेले हो, तो अकेले शख्स के साथ कौन होता है, मेरा खुदा। सबसे बड़ा सच ये है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सबसे बड़ा सच ये है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, बहुत से चीजों से अफजल। सबसे बड़ा सच ये है, जो कुव्वत हमारे बाजू में है वो किसी और की में नहीं। सबसे बड़ा सच ये है, आप जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है, आप अनमोल, अनोखे और कीमती हैं। सबसे बड़ा सच ये है, तो मैं किसकी मानूं, आपकी, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। What do you think so like? मैं अगर आपके सामने आज बोल रहा हूं, so how it's possible? Can anybody imagine? कि आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं आया कैसे, मैंने आप लोगों के सामने बैठ के बोलने की हिम्मत की कैसे? Who allows me? How this happened? कैसे हुआ ये? Can anybody imagine? अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसके पीछे क्या क्या हो सकता है? एक दिन मैं आया, उठा, ऐसे आंखें बंद की हुई थी, उठ के सोचा हाँ यार चलो रेडियो चलते हैं, इन्होंने आया रख ली और मैं आपके सामने आ गया। मेरे साहिल से पूछे, इन्होंने मुझे इंटरनेशनल शो में लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने पापड़ पेले, किस तरह से हम लोग इंटरनेशनल शो में आए, किस तरह से हमने ये जो इस टाइम जो हम लोगों ने इसको एक्वायर किया, हाउ इज दिस पॉसिबल? This all belongs to you, ladies and gentlemen. Why I'm here, why you're listening me, this is all written. ये सब लिख दिया गया था, पर इसके लिए हमने कोशिश की। कैसे? मैं घर से निकला, आज मैं घर नहीं गया, क्योंकि जब मुझे रात को यहाँ आना होता है तो मैं घर नहीं जाता, मेरा खाना बाहर होता है। बाहर खाया, कुछ किया, अरेंज किया, गाड़ी में पेट्रोल पूरा किया, शायद रास्ते में कोई मसला आ गया हो, किसी दोस्त को छोड़ा, टाइम नहीं है, जाया हो रहा है, सालियंस के पास पहुंचना है, आया रास्ते में बैठा, यहाँ आके चीजें डाउनलोड की, ये सब करके, वो करके, ये फला करके, आपके सामने आके बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कम इन? इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, इससे कई गुना भयानक है ये सब कुछ।
बट पॉइंट इज कि ये सब अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमें बना बनाया मिलता है, हमें निखरा हुआ मिलता है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी। एक पत्थर से किसी पत्थर ने पूछा, यार तुम इतने हसीन कैसे हो। एक पत्थर से किसी पत्थर ने पूछा, यार तुम इतने हसीन कैसे हो। तो पत्थर ने जवाब दिया कि मेरे ऊपर पहले बहुत से कांटे हुआ करते थे, मैं बड़ा अजीब सा बुरा सा हुआ करता था। मतलब मैं जिस पत्थर के ऊपर कांटे हूं तो क्या उसको पकड़ना चाहेगा? नहीं पकड़ना चाहेगा, डेफिनेटली चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, व्हाटएवर कुछ भी। तो वो कहता है कि जब बहुत तेज सैलाब आता था और आंधी तूफान आता था, मतलब जब पानी के अंदर लहरों के साथ टक्कर खा के पत्थर इस पत्थर पे लगता था, उस बड़े पत्थर पे लगता था, तो वो मेरे ऊपर से जो नोके थी ना वो टूटती गई और आज मैं इतना सीन हूं कि लोग हर कोई अपने पास रखना चाहता है। तो ये जो बड़ी बड़ी भंवर आते हैं ना आपकी जिंदगी में, बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, टेंशन बारिश की तरह आपके ऊपर आ जाती है। जी मैं तो मत पूछे, मेरा दिल करता है जी मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, तकलीफें ये मेरे ऊपर है, ये सर के ऊपर मंडला रही हैं, वो मैंने उसका वो नहीं किया, उससे मेरा ये नहीं किया, उससे मुझे वो तकलीफ दे, मुझे ये कर दे, मुझे ये कर दे, ये सब चीजें आपको बनाती हैं बेहतर, ये सब चीजें बनाती हैं आपको बेहतरीन, ये चीजें बनाती हैं आपको कमाल, आपको और हसीन बनाती हैं। अब माशाल्लाह पहले इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं आप लोग, बहुत हसीन है, पर द पॉइंट इज कि हमें और बेहतर होना है ना, हमें और प्यारा होना है, हमें और अच्छा दिखना है, हमें बहुत अच्छा दिखना है। मुझ जैसा मत बनिए पर अपने जैसा तो बनिए ना, जो है वो तो बनिए ना। मैं एक लाइन बोलता हूं कि अर्ज बनना आसान है, साहिल बनना मुश्किल है। You don't even know that कितना सफर किया है मैंने भी, बहुत दिल करता है आप लोगों से शेयर करूं, पर एक दिन आएगा जरूर शेयर करेंगे। बट द पॉइंट इज के इन आंसुओं को आंखों में रहने दीजिए, बाहर आएंगे तो बवाल मच जाएगा। कितना डिफरेंट सा आज पता नहीं मुझे क्यों दिल कर रहा है कि दिल की बातें आपसे करूं, लाइक आई डोंट इवन नो। आप इसे बहुत लोगों को भी जानता नहीं होंगे, बट स्टिल यू फील लिसनिंग मी, इट मींस दैट वी आर कनेक्टेड, वी आर लाइक इनटू इट। और मुझे नहीं पता था व्हाई आई एम सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर यू, बट द पॉइंट इज आई जस्ट वांट टेल यू दैट इफ आई एम इन द पेन स्टिल आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉजिटिव जेस्चर। मेरा जिस सभी में आया था वाज जस्ट लाइक किड एवरीथिंग इट वाज वेरी परफेक्ट, इट सीम्स वेरी गुड, बट हाउ, ये इस तरह से लग रहा था बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू शो यू कि जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। अगर हम जैसा मुझ जैसा इंसान इतनी तकलीफ में रहने के बाद भी कर सकते तो आप तो फिर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे दिखते हैं अपने आपको, देखिए तो सही आप लोग कितने प्यारे हैं, कितने हसीन हैं, कितने अच्छे हैं। यू डिजर्व रिस्पेक्ट, इज्जत के लायक हैं, इज्जत के हकदार हैं आप लोग, इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, इसी दुनिया में घुल मिल के रहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। शायद 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 मेरी बातें दिखने में मामूली हैं, पर इनको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, वही वाली बात है, आप इसको ट्राई तो कीजिए ना, वो तो पैसे वापस ले लीजिएगा। लिटरली यू फील वेरी कंफर्टेबल इन योर लाइफ, डिसीजंस लेने में थोड़ा सा काम रहिए, अपने फैसलों के ऊपर हतमी ना हुआ कीजिए, कुछ बुरा करें या कुछ अच्छा करें अपने आपको फ्लेक्सीबल रखें, हमेशा पानी की मानद रहिए, बोतल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जिस जिस एनवायरमेंट में जाते जाएंगे उस एनवायरमेंट के हिसाब से डलते जाएंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अपने आप को जितना इन चीजों से दूर रखेंगे आपकी जिंदगी में खुशियां आती रहेंगी, खुशियां इतना ढूंढना मुश्किल नहीं है, उनको बस खुद के अंदर से देखना पड़ता है। जिस समय मिसाल दूं कि मैं एक जगह को देख रहा हूं और शीशा मेरा थोड़ा सा ऐनक का थोड़ा सा ब्लर हो गया, अब मैंने वो ऐनक पहन ली, अब मुझे बाहर दिखा गया तो सब धुंधला है, कितना अजीब लग रहा है ना, ये बहुत प्यारी जगह होगी, मैं कहूंगा यार ये क्या मजाक है, ये तो दिख नहीं रहा, बहुत अजीब है, प्यारी फजूल है, पसंद ही नहीं आ रही, पर जैसे चश्मा उतारूंगा तो मैं कहूंगा यार कमाल है, कमाल है, like it's very beautiful, it's very beautiful. So the point is, मैंने वो अपना चश्मा साफ कर लिया, इसलिए मुझे आप सब प्यारे लग रहे हैं, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस टाइम मुझे जिस तरह से खामोशी से सुन रहे हैं मुझे और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, but trust me, just clean your glasses, you feel more comfortable, you feel very beautiful, because you are, खुदा ताला ने आपको बहुत प्यार से बनाया, आप लोग उसकी मखलूक हैं, अपनी इज्जत कीजिए, अपनी कदर कीजिए,
अपने साथ जुड़े लोगों की कदर कीजिए, ट्रस्ट मी यू फील वेरी गुड। और अगर अब मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है, अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, ये मान लिया है कि आप लोग कमाल है, तो फिर सेलिब्रेशन पार्टी तो बनती है मेरे दोस्त। Ladies and gentlemen, welcome to the finest entertainment. Jock Dinner. Kine kine jana ji. Arre kine kine jana. किने किने जाना है बिलो दे घर। वैसे आपस की बात है, आप आपस की, एक आपस की बात करते हैं। वो बात है जी, क्या थी वो बात, अर्ज किया है साढ़े नाल रहोगे ते नाल साड़ा इसके, और कितने जाओगे ते बड़ा वड़ा रिस्के। देखे मेरा वर्ड किया तो मैंने आपको बता दिया कि साढ़े नाल रहोगे ते नाल साड़ा इसके, और कितने जाओगे ते बड़ा वड़ा रिस्के। आजो कुड़ियों हाण दियो कर लो सानू जाना, कर दे निफे पर साइन कर ले। अच्छा पता नहीं आज एक डिफरेंस गा रहा मेरा भी उठा के फेंक लिया। साढ़े नाल रहोगे ते नाले साडा इश्क, और किते जाओगे ते बड़ा वड़ा रिस्क। इससे पहले के रिस्क उठाते ही नहीं है। और वेलकम टू दोबारा से आज सारी जांच के शो में तो आप लोग सुन रहे हैं अभी, देख लीजिए। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना वक्त का पता नहीं चलता, एक बज चुका है। अब ये जो अगला घंटा है ये किस तरह से जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। अगला ट्रैक प्ले करने वाले हैं आपके लिए, और ये ट्रैक कौन सा है उसके बाद फॉरन से डेफिनेटली मैं कुछ मैसेज पढ़ लेता हूँ बीच में, वैसे ये हमें लगता है ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये ट्रैक प्ले करेंगे, देन फिर आज का सवाल होगा और फिर बातें होंगी। आज की ना सुना दिनू आज ही जरूर इसको हम हीरा मानी मैसा मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह आपको सेहत खैर रहो, और मैंने सॉन्ग की फरमाइश की सॉन्ग फरमाइश, चलो ठीक है सोचते हैं इस बारे में। अच्छा गा लेते हैं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
हाँ वैसे आपस की बात है, लिटरली सच, आप सब लोगों को बहुत प्यारा बनाया मेरे खुदा ने। अजमत लाके तो वहां से मुझे इस्लाम आबाद से तो कह रही है कि बड़ा जनरल नॉलेज के सवाल पूछना, आज ना एंट्री पता नहीं डिफरेंट तरीके से ले ली, मुझे लगता है मैसेज मिस हो गया या ये भी नींद में ही है, बट डिफरेंट तरीके से इन्होंने कहा जी, आखिरकार इन्होंने कहा कि लोगों से एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछना है, आप क्यों पूछेंगे जी, आपका शो चल रहा है क्या? अरे नहीं आपका ही चल रहा है। आज ये कह रही है कि जनरल नॉलेज के लिए हंसने के लिए हाँ हाँ करते तो रोने के लिए कहते हैं, रोने के लिए ऊ करते हैं, इतना जनरल नॉलेज का सवाल है अजमत, क्या हो गया है? आंटी जरा इसको समझाइएगा। उसके बाद जी आलू कराची से, आलू क्या है, आलू या अल्लू क्या है? इट्स AALU कराची से, मैं लड़की हूँ। ठीक है ठीक है जी, मैं लड़का हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सब मिलकर करेंगे पख्तून बरादरी द कसम द द पश्तो में अतन करे द मैं इधर करे द मुझे ये जो ट्यून है ना जी, ये द ट्यून द मुझे बहुत चंगा लगे दे, और द ट्यून पख्तो बड़ा मजे दे, और द अतन इस ट्यून पे बड़ा मजा करे, वो यार छोड़ो अतन करा दे यार। Let's begin. वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे साथ तो फेसबुक पे बहुत से लोग हैं और साहिलियंस कहाँ हैं आप सब लोग, लगता है आज सो रहे हैं या इनको लगा था कि आज मैं आऊंगा नहीं, बट जो भी है इट्स नॉट समथिंग गुड, इट्स नॉट समथिंग गुड। आप सब लोग कहाँ हैं, आपको यहाँ पर रहना है, मेरे से बातें करनी है, क्योंकि टाइम जाने वाला है और फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें जाना पड़ेगा ना, और जब हम चले जाएंगे ओह माय गॉड तो फिर क्या होगा जी। जी होड़िया साहब कह रही है कि जी अच्छी चीज को गजल प्ले कर दें जो कि सैड सी हो, और अभी सैड वाली रहने देते हैं ना, आखिर में करते हैं ना। वकास कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कमाल, एंजॉयिंग नाइट शो, थैंक यू वेरी मच।
اور کہہ رہی تھی جناب میں دل و ویس صاحبہ آپ کو سن کے خوشی ہوئی. اچھا جی اچھی بات ہے. باسط احمد اس ٹائم بہت ہنس رہے ہیں اور ہائے میں صدقے اللہ خیر کرے. اور جی اکڑا خان ہمارے سے موجود ہیں, تھینک یو ویری مچ. ساڑھے نال رو کے تھے ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑے نال ہاں جی اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ نائسر آواز ہے, تھینک یو ویری مچ. پڑھ دیتا ہوں, خیر ہے. نائس کیا باز ہے, اٹس ناٹ باز اٹس واز ہے. اور ساڑھے نال رو کے ٹھیک ہے, تھینک یو. اور ہائے بڑے مزے ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے جی, اللہ خیر کرے. اور دل ویز ذرا پیچھے تو دیکھو جن کھڑا ہو کہا جی بلو کے گھر نہیں جانا, بلی کے گھر جانا ہے. عائشہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے پہنچیے, ہم یوں گئے اور یوں آئے. آج کا سوال کیا ہونے والا ہے؟ آج کا سوال بہت مزے کا, بہت انٹرٹیننگ, بہت ڈیفرنٹ ہے. تھوڑا مستی کرتے ہیں آج, میں نے کہا تھوڑا سا سیریس کوسچنز کو سائڈ پہ کے تھوڑا مستی کرتے ہیں. تو مستی کے لیے سوال ایک پہلا آپ کے لیے لایا ہوں, وہ کیا ہے؟ آپ اپنے صرف مجھے یہ بتانا ہے, اگر دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ استری سے ہم کپڑے سیدھے کر سکتے ہیں, تو استری سے کچھ اور چیزیں بھی سیدھی کر سکتے ہیں, تو وہ کیا کرتے؟ آنسر شوڈ بی فنی کریٹو اینڈ سینسیبل. I need, مجھے جواب چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک آپشن دیا جائے جس طرح استری سے کپڑے سیدھے ہوتے ہیں, اگر اس سے کچھ اور بھی سیدھا ہو سکتا تو آپ کیا کرتے؟ ایک گھر, عمارت, روڈ, جمپس, مطلب کیا کچھ, مطلب بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں. مجھے جاننا ہے. اگر آپ لوگوں کو آپشن دیا جائے کہ اس طریقے کی طرح کسی اور چیز کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جیسے کتے کی دم کے بارے میں شروع کوئی سیدھی نہیں ہوتی, اس طرح کی اور بھی بہت چیزیں ہیں. بٹ سٹل آنسر شوڈ بی فنی اینڈ کریٹو اینڈ سینسیبل. یو کین کال اس آن 1-1-0-0-1-0-1. اور اس کے بعد ہمیں کال کر سکتے ہیں 0519202540. فیس بک سے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, FM 101 چینل پاکستان لکھیے اور فوراً سے پہلے شو کے اندر شامل ہو جائیے اور رائٹ میسج میں جائیے 10. اچھا میں لکھواتا ہوں, چلے اس کو تھوڑا سا ہلکے کرتے ہیں. رائٹ میسج میں جائیے, مجھے بتائیے گا کہ جس نے مجھے اس ٹیون کے اوپر جس نے مجھے میسج کیا, جس سے میں بتا رہا ہوں آہستہ آہستہ سے, جس نے مجھے میسج کیا وہ آگے لکھ دیکھیے اس ٹیون کے اوپر ہم نے میسج کیا. سو رائٹ میسج میں جائیے. That's great. اس کو کھولیے, اس میں لکھیے 101 اسپیس دیجیے, ہاں آپ کا نام سٹی, میسج لکھیے, میسج لکھیے, آرام سے لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے. جیسے لکھ لیں اس کے بعد فوراً سے سینڈ کر دیجیے گا 4471 پر 4471 پہ, اور فوراً سے پہلے آ جائیں میرے پاس. سچی موجود ہے آلو کراچی سے, میری کزن زین کو سن رہی ہیں اور اس کو ہائے بولتے ہیں. ہائے زیڈن. اچھا کزن, اچھا اسپیس دے دیا, کزن سن رہی ہیں. اب کزن کا نام آپ نے نہیں بتایا, اب کزن آپ سے پوچھیں گی بعد میں, دیکھنا کزن اس کی کلاس لینا. بھائی میری سال گلا, اچھا شہباز بھائی میری سال گلا جو ہے, سال گلا جو ہے وہ 12 کو ہے دسمبر. آپ کی برتھ ڈے کب ہے آلو؟ میں نے بتا دیا اٹس 12 دسمبر. کوئی نیو پاکستان سانگ جی سارے میں لگاؤں گا, بے فکر رہیے. اس کے بعد ساجد ملنگ ہمارے سے موجود ہیں, بہت شکریہ آپ نے کچھ لکھا ہے, مجھے لٹرلی کچھ سمجھ نہیں آیا, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے لکھ دیجیے گا. Thank you very much, my son. Ji, Naima from Sara.
अच्छा सराय आलमगीर ठीक है दैट्स ग्रेट। और ये कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई और पहली बार मेरे शो सुन रही है, इनको अच्छा लगा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, तारीफ कर रही है, पोएट्री लिखी है मैंने पढ़ ली है, थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया। नहीं थोड़ी सी लंबी है, टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं उसको मतलब आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और आपने कहा था कि नाम जोड़ लीजिएगा हमारा, तो मैंने वो ले लिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। देन वी हैव जावेद फ्रॉम पिंडी, आई लाइक योर शो, थैंक यू वेरी मच। देन वी हैव शानूर खटक अटक से, इट्स नॉट खटक इट्स अटक, थैंक यू वेरी मच इतना दूर से हमारे साथ करीब होने का। उसके बाद जी FM सलाम, कैसे हैं, इट्स लव शो, हसीना पेशावर में हूँ, ठीक है अच्छी उस बात का जवाब था, वेयर आर यू, दैट्स ग्रेट, आप पेशावर में हैं, बाकी लोग किधर हैं, वेयर आर यू, आई जस्ट वांट टू नो मैन। गुड 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 वेरी गुड जी, हकुना मटाटा, इसका मतलब किस किस को आता, थैंक यू फॉर सॉन्ग। हीरामानी कह रही है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू जो आंखों से वो जो आंखों से एक पल ना जल हुआ, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। This is what we call the RJ. Enjoy this beautiful track. इस सवाल के जवाब मैं सुन रहा हूँ definitely Aber. Don't go anywhere. यही सब मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए, enjoy this track. और बीच में definitely मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और dedicate to all the people जो कि सोचते बहुत ज्यादा है उनके लिए, और राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए जल्दी से खामोशी से, और सेंड कर दीजिए 4471 पर। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं फेसबुक पे, क्या करना है, FM 101 चैनल पाकिस्तान लिख के फॉरन से शामिल हो जाइए हमारे शो में, और हमें कॉल कीजिए 051-111-0101 और 051-920-2540। आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए, ओ हो हो, ओ हो हो, वो हवा हो गए देखते देखते, I'm not afraid to die.
सोचता हूँ कैसे क्या हो गए देखते देखते कैसे क्या हो गए। Ladies and gentlemen, waiting for your call, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ पर आए और उनसे ढेरों बातें करें। Literally, it's very different. आप लोग के साथ ये जो फासले हैं दूरी के, ये तय कर लीजिए बस। इस पे बूफ करते हो कितना अजीब लगता है ना। Won't believe, कसम से हम डांस कर रहे होते हैं स्टूडियो में। So, 051-111-0101. We have number one caller. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kaun sahab hai, kahan se? जी जमीन साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कर रही थी? खाना चाना खा लिया आप लोगों ने? जी मैंने खाना खा लिया, कॉफी पी रही थी और आपका शो सुन रही थी। ओ एम जी, द वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन, कॉफी और मेरा शो, खत्म खत्म। कॉफी के साथ सुनने का मजा ही कुछ और है। मेरा खुद इतना दिल करता है, मैं कॉफी पी रहा हूँ सामने बैठ के अपना शो खुद सुन रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे बताइए कि क्या क्या लेकर आई मेरे लिए, जवाब मजे का होना चाहिए। टॉपिक बताया ना मैंने, अगर आपको स्त्री जिस तरह कपड़े सीधे करता है, इस तरह से कुछ और सीधा करने का मौका मिले तो क्या करेगी? मैं प्रेस को कपड़े कभी भी नहीं करूंगी, उसके बदले जो है मैं घर के बर्तन धो लूंगी। अच्छा मतलब आप नहीं, मतलब सवाल ये है कि आप जिस तरह हम कपड़े करते हैं ना, तो कपड़े सीधे हो जाते हैं, स्त्री हो जाते हैं, तो आयरन से अगर कुछ और चीजें सीधी या स्त्री करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? मुश्किल है वैसे। इंसानों को स्त्री करते हैं। ये चीज किस इंसान को? भाई को। जो लोग मुझको जर्नलिस्ट होते हैं, जो लोग मुझको अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, उनको मैं जो प्रेस कर दूंगी तो बिल्कुल स्त्री की तरह। पाकिस्तान, वेरी गुड, ये चाहिए तो मेरे जवाब। अच्छा जी, तो आप लोगों को सीधा करना चाहेंगी? हाँ जी हाँ, मैं लोगों को सीधा करना चाहूंगी जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं ना साहिल, उन लोगों को। वेरी गुड, ये फैसला अच्छा है आपका, इस फैसले को कायम और दायम रखिएगा और देखते हैं कि फिर आके क्या होता है। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप प्लीज अपनी टाइमिंग देना शो की बता दिया करे। मैंने दो तीन दफा मेरा शो दिया, उसे मिस हो गया और यूट्यूब पे मैंने सर्च करा तो मुझे मिला नहीं। ओहो, दैट्स वेरी बैड। और मेरी टाइमिंग तो बड़ी सिंपल सी है, हफ्ते की रात को 12 से 2 और मंगल की रात को 12 से 2 और दोपहर को जुमे को 1:30 से 3। वेरी सिंपल है। ओके, वालेकुम असलाम, काफी इंजॉय कीजिए। खुश रहिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी उष्णा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन रही हैं आप? वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि क्या कहना चाहोगी फिर, किसको स्त्री करने का प्रोग्राम है? मैं अपनी दोस्त नैना। ये चीज, मैं ये नाम सुनना चाह रहा था, किस दोस्त को करना चाहोगी सीधा? मेरे दोस्त नैना है ना। हाँ, उसको सीधा करने चाहोगी, उसके नैना पे स्त्री फेरोगी? बहुत टेढ़ी है, बहुत तंग करती है। वेरी गुड, तो नैना है वो, तो नैना जल्दी से सीधी हो जाओ, नहीं तो उष्णा स्त्री का सही इस्तेमाल करने वाली है। ठीक है, अच्छा फाइनली फाइनली वो खुश हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच उष्णा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा है, कहाँ से? दोबारा बताइएगा। जी तैयबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको एक मौका दिया है मैंने, उस मौके का अच्छा फायदा उठाना है आपने। मेरे बस में हो तो चोरों को, ये चीज वेरी गुड। चोरों को आप इनको ठीक कर दूं। वेरी गुड, कैसे ठीक करेंगे? स्त्री रख के ऊपर से शुरू फोल्ड करके ना स्त्री। वेरी गुड, ये चीज है, मर्द मुजाहिद जागे फिर। वेरी गुड। अच्छा जी, तो आप आखिरकार चोरों को स्त्री करना चाहेंगे? वेरी गुड, अच्छी सी चाय बनाइए और मेरे शो को एंजॉय कीजिए। ठीक है,
मैं आप सब लोगों को मिस करता हूँ. ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मिस नहीं करते? अरे नहीं नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे लिए एवरी सिंगल बहुत मिस करती हूँ. आप मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह लगते हैं. मेरा हम चार बहन है ना, भाई. ये तो अच्छी बात है, फाइनली भाई तो है ना माशाल्लाह. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. आपके भाई ना, जब आपको शो सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आता है. अरे मैं समझ सकता हूँ. और मुझे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपने भाई को. अरे रोती तो नहीं है ना आप? नहीं नहीं, कभी कभी. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. बस कुछ सीख लिया करें यहाँ से, हाँ, मस्ती भी किया करें और सीख भी लिया करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अरे जाग रहे क्या? आखिरकार बोल पड़े. वालेकुम अस्सलाम. कौन सा, आप कहाँ से? सिकंदर बात कर रहा हूँ लाहौर से. सिकंदर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से. मुझे सुनाया अल्हम्दुलिल्लाह. साहिल के शो में कॉल किया, एनर्जी होनी चाहिए. जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह एनर्जी बहुत फुल है. बस मैं काम दुकान पे था. अच्छा माशाल्लाह. तो दोनों तरफ बस ध्यान था, सेलफोन की तरफ भी था और काम की तरफ भी था. वेरी गुड. काम की तरफ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह. आपके शो में एनर्जी होनी चाहिए, दुनिया का नंबर वन रेडियो स्टेशन होने वाला है. अरे सर थैंक यू वेरी मच, रियली मींस अ लॉट. सिकंदर भाई क्या जवाब लेकर आए हैं मेरे लिए? जवाब मैं लेकर आया हूँ बस, चीकू को सीधा करना चाहता हूँ. अब ये अगली कॉल चीकू की आई आई. वेरी गुड. अच्छा जवाब दिया आपने, और लग रहा है चीकू सीधा हो जाए. चीकू को सीधा करेंगे तो कुछ ही है. अच्छा उसके लिए गजल को सुन, और उसके बाद अनीरा सुन रही है आती, और अजमत सुन रही है, और कौन सुन रहा है? सभी को सलाम. और उसके बाद अच्छा यार एक फेवर, सिकंदर एक फेवर तो करना यार, एक फेवर तो करना. अगले दुकान पे आपका जो कस्टमर आएगा ना, उसको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट दे देना मेरी तरफ से. उसे कह रहा साहिल भाई की तरफ से, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया. थैंक यू. सुनने वालों को सलाम. मैं तो आपका खामोश निश्रण हूँ. अच्छा खामोश की नहीं, तकरीबन मैं तो 10-15 साल से ऐसा वन वन सुन रहा हूँ. अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अदरवाइज मुझे बस है आपके एक दो तीन शो सुने हैं मैंने पिछले दिनों में. थैंक यू वेरी मच. जरा थोड़ी सी एनर्जी बहाल हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बात हो नहीं पाती. कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करने. अरे नहीं नॉर्मल नॉर्मल समझा, मेरे सामने बैठे हैं, खुल के बात करें. कुछ मैं मेरी पेप्सी मंगा लें, स्टिंग मंगा लें, बोतल मंगा लें, कुछ भी. ओ यार पैसे मैं देगा, तू मंगा तो ले यार, की हो गया. बहुत शुक्रिया भैया, अच्छा लगा मुझे आपने कॉल किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू और अनिता अजर अजमत को सलाम दीजिए. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम की तरफ से. थैंक यू वेरी मच. हाय भी बोल दीजिएगा. हाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. वेरी गुड, आपने बैलेंस का सही इस्तेमाल किया और फाइनली ये फुर से फुर हो गए. अस्सलाम वालेकुम. Hello. Oh my God! Like, मुझे लगता है कि कोई इस टाइम चुप के बात कर रहा है. Hello. जिनके होने से अब मैं रहेगा खुशियों के सर पर गमों का तार. अरे. एक मस्त लेकर हमारे साथ मौजूद है साहिल एजाज. अरे साहिल एजाज. और हमारा साथ रहेगा अच्छे से कुछ मीटर तक. अरे कुछ कभी. क्या बात है जी, प्लीज कम इन. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जिस तरह आपने बोला है मुझे सच में फील हुआ, बिल्कुल ठीक है. नहीं मैं आपसे नाराज हूँ. मुझसे नाराज है? मुझसे कोई नाराज रह नहीं सकता वैसे. हाँ ना, इसीलिए तो आपके कहने पे ऐसी एंट्री करनी पड़ी. क्या करें फिर सर, हमसे कोई नाराज नहीं होता वैसे, वजह जान सकता हूँ? बताए. मुझसे कोई नंबर? मैं बताती हूँ. हाँ बताइए. कि क्या आप नंबर वन है? समझ नहीं आई.
मैं कह रही हूँ आप नंबर वन है, इसीलिए आपसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप अपनी एनर्जी के जरिए उन्हें मना लेते हैं। वेरी गुड, मैंने कहा है ये क्या कह रही है कि आप नंबर वन है इसलिए नाराज हो, मैंने कहा है ये क्या था। वर्षिस शुक्रिया। Finally, और अगर स्त्री से किसी को सीधा करने का मौका मिले ना तो मैं सबसे पहले वो जो रिश्ते करवाने वाली आंटियां होती है उन्हें सीधा कर। नहीं प्रॉपर स्टाइल में बोलो ना, मैं तो ये आंटी वाली रिश्ते नहीं आजी, मैं इस तरह करके बोलो ना प्रॉपर। बोले प्रॉपर स्टाइल में समझो, स्त्री से सीधा करने का मौका मिले ना तो जो ये जो मुंह के चू किया ना, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये मैं जा रहा था। वेरी गुड अजमत। अच्छा बात सुनो, अगले हफ्ते प्लान करें क्या एक्टिंग का? मैं सोच रहा था अगले हफ्ते पहले हम तो अपने टॉपिक के बारे में बात करें, फिर आप कहते हैं मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। और दूसरे नंबर पे जो क्या से कहते हैं जिन्होंने इतनी कीमतें आसमानों पर बाजार वालों ने चढ़ाई है, इन्हें मैं सीधा कर दूं। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे सीधे करते जो मुझसे जलते हैं। हाँ वो कौन है? कौन है वो? कुछ किस्मत है ना कुछ लोग। अच्छा ये भी ठीक है, तो आप उनको सीधा करना चाहेंगे। अग लग दी, लगवा लिया आगे चले। आपके वैसे मोस्टली लोग सलाम कर रहे होते हैं, मोस्टली आपको तारीफ कर रहे होते हैं, ये आपको किसने कहा कि आपसे कुछ जलता है? नहीं रेडियो पे नहीं है वो, इधर से कोई भी नहीं है, बस रिलेटिव्स में। अच्छा अच्छा रिलेटिव्स में। वो इस टाइम सुन रहे हैं क्या शो? नहीं नहीं कोई भी नहीं सुन रहा, सिर्फ मैं सुन रही। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चले उनको ये सजा बाद में देंगे। पर अब मुझे बताइए कि आप जो है प्लान कब करें इसका, एक्टिंग का? वैसे मुझे बताओ तो सही आइडिया, अगले करें अगले से अगले करें? जब आप करेंगे ना हम तैयार हैं, हम मतलब कि आप जब भी करेंगे ना, जिस तरह भी करेंगे ना, हम आपके साथ हैं। ठीक हो गया, डन हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि फिर इसको फ्राइडे को डिसाइड करते हैं, ठीक है? फ्राइडे को डिसाइड करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बात सुने जी, बोलिए। आंखें कहती है बहते तू मेरे रूबरू, तुझसे दिन ये खत्म, अरे तुझसे शुरू तेरे पहलों में धड़के, दिल मेरा मेरी सांसों में चलती रहे बस तू, इसकी दरंगे तेरे मुखड़े ते छुआया, जब दम तक आए सहन नहीं आया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, जी कर वेखदार हां किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, मैं तेरे ते दिल आया, मैं तेरे ते दिल। हाय मेरे गाने से बेड़ा गर्क हो गया। ये कब चुप करेगी? पर ये लड़की चुप नहीं करती, ये चौके घर में। अगर मेरा किसी और ने फोन लिया ना तो उन्होंने कहा कुड़ी पागल हो गई। ये भी सही है। अच्छा गाया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। जिन्हें भी सलाम देते हैं वालेकुम अस्सलाम, और मैं सबसे कहना चाहती हूँ साहिलियन को भी सलाम भेजे गए, और आज साहिल को भी सलाम दिया गया। जरूरी है कि हम ही सेलिब्रिटी बन के किसको बना दे सेलिब्रिटी यार, मतलब अनफेयर है अजमत। जब कॉल करते हैं आप ये क्या करें कि मतलब कि सब सुनने वालों को सलाम, हम सब में शामिल हो जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हम भी तो शोर सुनते हैं, तो साथ होती है। ये स्पेशल लोग जो होते हैं इनको भी अगर आप लोग सलाम देना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन साइलेंस को भी दें, बाकी लिसनर्स को भी दें, बाकी ये एंट्री ला दो सुनते हैं, इसकी बिल्कुल मत सुनिएगा, आपका जो दिल करता है वो सुने, आप जो बोलते हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ओके इसमें जाओ बाबा, थैंक यू, हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कुल्फी नालों ठंडे हो, पकौड़िया नालों करारे हो, एक चांदनी कतारा दस दस रुपए, दस दस रुपए जनाब का। हाय मैं ठहर जावा, तुसी अज
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਸੋ ਮਸੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਸੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮਦਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਮਦਰ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੱਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰ ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਚਾਚੂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਲੈਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਓ ਤੋੜਨ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦਲਾ ਓ ਬੇਰੀ ਨਾਲੂ ਬੇਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੂਮ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੂਮ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਏ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਾਏ 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 ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਦੇ ਜੀਓ ਡੋਲਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਨੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰੇ ਰੇ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਏ ਵਾਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲਾਂ ਕਾਲਾ ਵੇ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀਆਂ ਗੋ ਗੋਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਥੋੜੀ ਛੜਨੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਓ ਹੋ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਬਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਣਾ ਗੱਤੇ ਰੰਗ ਨੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨੇਟਾ ਜੀਓ ਲਾਲ ਦਵਾਨੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਚਲੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਗਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੈਮ ਕੈਸੀ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਈ ਆਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮਿਸਤਰੀ ਫੇਰੇਗੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਖੁਦ ਕੋ ਇਸਤਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪ ਉਨਕੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ
भाई अभी आप बर्थडे की बात कर रहे थे ना, तो हमारे अपने 101 की 1 अक्टूबर को बर्थडे है। अरे अरे अरे, अरे क्या बात है, अब देखते हैं उस दिन मेरा शो होगा या नहीं होगा। नहीं, अच्छा 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 कल है, देखते हैं अल्लाह खैर कर, देखते हैं क्या होता है। मेरी कल से 101 कर तो हमारा तो बहुत ही पुराना साथ है, तो मैं तो उसको जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू कहूंगी और कल भी कहूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल भी बोलेंगे, हम सब के बोलेंगे। अगर सदर सुन रही है ना तो हमारे कमांड शोज करे होने चाहिए इंशाल्लाह। देखते हैं देखते हैं, आप हमें केक नसीब हो जाए बड़ी बात है, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। वो मुझे बताए शुक्र की आदत है हमेशा सरप्राइज देने की। हाँ हो सकता है कि हमें कॉल करें और बोले भाई आ जाओ हाँ केक खाते हैं, पर देखते हैं क्या होता है। एंड थैंक यू वेरी मच मैम अगेन, आप सलाम दे दें। हाँ दे, हाँ उस्मान चीकू को सबको बिग हाय सलाम, बिग हाय सलाम, हाय। आज मेरा दिल कर रहा है पता नहीं क्यों मियां वाले की तरफ जाने को, तो किस किस ने मेरे साथ मियां वाले आना है। Literally that song belongs to, इस टाइम जो जो मियां वाले सुन रहे हैं, this song belongs to them and I'm going to give this song to them and I'm enjoying this beautiful track here in the studio Islamabad। आप सब लोग जहां पर हैं enjoy this song, इस सॉन्ग को मैंने पूरा आपके साथ सुनना है। इसको मैंने से थोड़ी सी झलक सुनी थी, उसके बाद मैं इसको नहीं सुन पाया, पर आपके साथ इस सॉन्ग को पूरा सुनने की नियत मैंने की, तो आइए मिलके सुनते हैं, आइए मिलके सुनते हैं। Enjoy this beautiful track, और मैं यहीं पर हूँ, कुछ ही देर बाद आपसे डेफिनेटली जाने की इजाजत मांगूंगा, पर उससे पहले डेफिनेटली 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 आई वांट टू बी हियर। राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी, कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक पे आ सकते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, लिखते ही मेरे शो के अंदर जल्दी से आइए और इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, बीच में मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। मैं यूं गया यूं आया, क्योंकि अपना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज। मैं हूं आपका होस्ट साहिल Let me out of
वेलकम बैक। इस हसीन सी दुनिया में, इस हसीन से वक्त के ऊपर, इन हसीन सी मुस्कुराहटों के साथ मैं आप लोगों के साथ दोबारा शामिल हो चुका। थोड़ा सा शो का टेम्पो हम थोड़ा सा प्लेस करके चलेंगे, थोड़ा सा स्लो करके चलेंगे ताकि आपको मीठी जो है ना नो नींद जो आने वाली है उसको हम वेलकम करेंगे और कुछ ही लम्हों बाद आप लोगों को से अलविदा ही मांगेंगे। और क्योंकि हमारा वक्त जो है जाने वाला करीब आ चुका है, बट कुछ कॉल्स लेंगे डेफिनेटली। हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं था आए चले गए। 051-111-000-101 कितना सिंपल है ना, ये डायल करते मेरे पास आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से? जी मैं भी सब। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में और इस सवाल के बारे में? हेलो। तो बहुत अच्छा है लेकिन मैंने सवाल नहीं सुना था। जी सवाल इसका ये था, बड़ा सिंपल सा, कि अगर आपको इस्त्री करने का मौका मिले और कपड़ों को इस्त्री करते हैं सीधे हो जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जिसको आप सीधा करना चाहेंगी इस्त्री से? कुछ जवाब? हेलो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। जब सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा था, कहाँ से? जी मारिया साहबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। और मुझे बताएं सबसे पहले कि इस टाइम तक जाग रही हैं तो इतनी लेट कॉल क्यों की आपने? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो मुझे बताइए कि फिर क्या जवाब लेकर आई आप? जी जितनी भी दुनिया में वेरी गुड, तो आपके एक्सेंट में वो मजा नहीं है ना। देखिए आपने कुटनिया बोला है तो इसके अंदर दांत को रगड़ना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे कैसे मतलब पप्पे कुटिया सुन रही हैं, वो इनका नंबर लेकर इन तक पहुंच जाइए। ये आपको सीधा, ये आपको खुद सीधा कर लेंगे।
मुझे भी सीधा कर ले अगर मैं मर रहा हूँ तो, मुझे इतराज नहीं है आपको तो अब आप किसे कुछ नहीं तो नहीं कहना चाहते बाबा जमालुद्दीन। अरे आप कह सकते हैं, आप लोगों को क्या कह सकते हैं, लिसनर्स हैं, लिसनर्स कुछ भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा ये देखिए हम जैसे लाइक चल फिर रहे होते हैं ना, तो जितने भी स्टेप्स होते हैं ना स्टेप्स उनको मैं सीधा कर दूंगी, वो लाइक रैम्प टाइप उस तरह बन जाए तो मच बेटर ना। वेरी गुड। जो स्टेप्स होते हैं ऊपर नीचे लाइक फुटपाथ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, मार्केट्स में स्टेप्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो मोबिलिटी, जो मोबिलिटी चैलेंजेस के साथ होते हैं ना, उनकी मोबिलिटी इजी हो जाएगी। वेरी गुड। ये तो आपने बड़ा कमाल की बात कर दी, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा जवाब आए। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग दिस मच ब्यूटीफुल। बात सुने, अच्छा कुछ और भी है, इतने कॉलर्स इतने लंबे लंबे गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, ये भी क्यों नहीं कर रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए आपने क्या खाया। थैंक यू सो मच। अभी आप ऊपर आप इनमें घड़ी की तरफ, अच्छा ठीक है, आप इनमें घड़ी की तरफ देखिए, घड़ी की तरफ देखिए एक बार। ओके थैंक यू। हाँ घड़ी की तरफ देखिए कि टाइम, जी टाइम क्या हो चुका है, और अब मुझे कितना तेज करना है, और किस आप मुझे खुद बता दीजिए। हाँ हाँ, आप शुरू में आए, आप बेशक मेरा वक्त लें, वो मुझे कोई एतराज नहीं है, बट अब जब 15 मिनट रह गए, 15 मिनट में क्लोज भी करना है, सब गाने भी प्ले करने हैं और कॉल्स भी, तो आप खुद बताइए कि क्या मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, देख ले मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा बस। अरे बस साहिल बर्दाश्त कर, कोई बात होता रहता है। थैंक यू वेरी मच मारिया, आप भी खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुश आप भी खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी साहिल, मैं कैसे हूं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं जनाब आगे असद मंजूर बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत महत्वपूर्ण आपसे हो गए हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपको इसी तरह कामयाबियां देखने को आमीन अता फरमाए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आमीन। अल्लाह को आसानियां अता फरमाए और आसानियां नसीब करे, आमीन सर। काफी अच्छे से मैं तकलीफ आपको सुनता था, लेकिन आज मेरी फाइनली अच्छा लगा मुझे। एक कस्में तोड़ते रहा करें, इस तरह की चीजें तोड़नी चाहिए, ताल्लुक बेहतर होता है। दिल ना तोड़ा करें, इस तरह की कस्में तोड़ लिया करें फिर अच्छा है, वो उससे कुछ नहीं होता। बाकी मुझे बताइए जी, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे सवाल के अंदर? सवाल के अंदर नहीं यार, मैं प्रेजेंटर हूँ, प्रेजेंटर एक प्रेजेंटर से बात करे तो वो जवाब नहीं। हाँ प्रेजेंटर बात करे पर एक मिनट में करे, मुझे एतराज नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप सो रहे हैं? नहीं तो, आवाज ऐसी, आवाज ऐसी। सर कैसे हैं आप? हेलो जी सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा आप कहाँ से? जी फरहान साहब, कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर शो सुन रहे थे आप इस टाइम तक? वेरी गुड। तो सर आपकी बड़ी स्वीट आवाज है। वेल सर थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बहुत कम है सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी। नहीं सर, मेरी आवाज ऐसी माठी सी आपकी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आप बहुत खास है, बहुत अहम है, प्लीज मेरे शो में अपनी बुराई मत कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा सर मुझे आप, एक तो बुरा होगा। नहीं, 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 तो मैं ही बन जाता हूँ। अच्छा सर मुझे बताइए कि आप क्या सवाल का जवाब लेकर आए मेरे लिए? सर सवाल मैंने सुना है, दोबारा रिपीट करेंगे। वेरी गुड। अच्छा मैं इसलिए मैंने पूछा था कि आप शो सुन रहे थे। अच्छा सवाल ये था कि अगर स्त्री इस तरह कपड़ों को सीधा कर देती है, इस तरह से अगर आपको ऑप्शन मिले किसी और को सीधा करने का, तो आप क्या किसको करेंगे सीधा? अपनी अच्छी बातों से। वेरी गुड। अच्छी बातों से किसको सीधा करेंगे, किसको सीधा करना चाहेंगे आप? पहले मेरा ख्याल आपको सीधा ना कर लीजिए। मुझे सीधा करेंगे? अरे सर कर लीजिए, हम तो पहले हम तो चाहते हैं हमें कुछ सीधा करें, पर आप करें। थैंक यू वेरी मच सर, रियली मींस अ लॉट। आप लोग सब बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और हमारा काम है आपको रिस्पेक्ट देना, और आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे सीधा करने की बात की। ठीक है सर। नहीं नहीं सर, जस्ट फॉर जोक, तो कोई बुरा बंदा मिले, कोशिश होती है कि उसको अच्छी बातों से उसको सीधी राह पे लेकर आए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
بس آپ وہاں کنٹریبیوٹ کرتے رہیے, میں یہاں پر کوشش کرتا رہتا ہوں, انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کہیں نہ کہیں اس ملک کو لے ہی جائیں گے. آمین 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 سو آمین. تھینک یو ویری مچ سر فار کالنگ اس آن دس ٹائم. خوش رہیے اور آپ کے جتنے کالر ہیں, آپ کے جتنے کالر ہیں سب کو بہت اچھے کالر ہیں. وعلیکم السلام سر, تھوڑا جوش سے بولیں گے, مجھے سچ میں نیند آ جائے گی, میں ادھر ہی بے ہوش ہو جاؤں گا سر. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ ملک آصف ناز بول رہا ہوں, اسلام آباد پاکستان آرمی سے. ارے ماشاءاللہ سر, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ سر ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر مجھے بتائیے کہ سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ بالکل دیں گے جی, ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں. اچھا آپ تو بتائیے نا سر. سر اگر میرے کہہ رہے ہیں نا کپڑے جس طرح سیدھے کر دیے, اگر میرے بس میں ہو نا, اگر جتنے بھی یہ کرپٹ مافیا میں نے سب کو میں سیدھا کر, جو پاکستان کے نقصان میں ہیں, جو مطلب اس طرح لوگ ہیں نا جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان سب کو میں سیدھا کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ سر, ویری گڈ آنسر سر, تھینک یو ویری مچ. آپ سے اس طرح کا ہی خوبصورت جواب ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور بہت شکریہ مجھے اس ٹائم کال کرنے کا. آرمی کے لیے میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آرمی کے لیے دعا کی کریں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ارے سر آپ کو کس نے کہا ہم دعا نہیں کرتے؟ ہماری ہر میسج کے اندر آپ کو نہیں پتا پہلی بات ہی کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کا ہی ذکر کرتے ہیں, یہ ہمیں تو بھول جاتے ہیں. ہماری جان صرف پاکستان کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے؟ ہم اپنی جان سے بھی جو ہے نا صرف آپ لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے؟ ارے سر تھینک یو, تھینک یو ویری مچ سر, کوئی شک نہیں ہے, اور ہم سب کی دعائیں, پیار, خلوص سب کچھ آپ کے لیے. چیکو کو سلام اسپیشلی. وعلیکم السلام ان کی طرف سے اسپیشلی. میری ایک بڑی پیاری بہن ہے رولکنڈی میں, سیما وا بچھو بھی, ان کو بھی دعا سلام اسپیشلی. ان کو بھی دعا سلام کر دے. کسی اور کو کر رہے ہیں آپ نے؟ پورے پاکستان کو بھائی, سب میرے بھائی ہیں, سب میری بہنیں. بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ سر, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب ہے کہاں سے؟ انینا لاہور سے. میں سوچوں میں کہہ دوں اللہ حافظ, آپ کا ٹائم بہت تھوڑا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کیا کہہ سکتے ہیں پروگرام کا, اللہ آپ کو لمبی زندگی. آمین آمین آمین. بس بہت رہتا ہے, آپ کافی دیر ہوگی اس بار آتے آتے, آپ کو ٹریفک بہت ہو گیا. میری بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں سن رہی تھی. کوشش کرتی ہوں, چلی جاتی ہوں. اور میرا بس چلے تو میں جن لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں, معاشرے میں ہمارے ماشاء اللہ سے ایسے ایسے لوگ ہیں نا, تو میں جن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میرا دل چاہتا ہے میرا بس چلے نا کہ میں ان پہ استری رکھ کے بھول جاؤں. اندر کی آگ باہر نکل رہی ہے, کمال ہے. اچھے سے پھیر پھیر کے نا اس کے اوپر رکھ کے پھر بھول جاؤ. ہاں دسو کتنا کو ولولہ ہے آپ کے اندر, اس کا صحیح استعمال کیجئے, میں کہتا ہوں کمال کر جائیں گی. اس غصے کا صحیح استعمال کیجئے, پورے ہٹلر کی طرح نا استری اوپر رکھ کے بھول جانا چاہیے, اور سیدھے جب پوری طرح سے سڑ سوا ہو کے سیدھے ہو جائے نا پھر استری اٹھا کے پوچھنا چاہیے. ہوں صحیح ہے, ہوں صحیح ہے, ہوں آرام ہے. تھینک یو ویری مچ, اچھا لگا آپ کے سن کے. شہیر اور اسکندر تھینک یو سو مچ, سب کو ڈھیر دو اسلام میں, اور آپ اتنے دنوں سے رات کو آتے ہیں. میرا شو ہی کب ہوتا ہے جی, اتنے دنوں سے ایک دن نہیں آیا, اتنے دنوں سے تو مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں یہ میرے شو کے. نہیں میں نے تو کل بھی فون کر کے پوچھا, کل جس دن آپ کا شو تھا لاسٹ ٹائم بھی تب بھی میں نے فون کیا, اور آپ کے ادھر اسٹوڈیو میں تو میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ شاید پروگرام نہیں کر سکیں گے, شاید وہ آ جائیں, ابھی کچھ پتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا شاید ان کو پتا ہے کہ شاید کال نہیں ہو سکتی ہوں گی, تو شاید اس لیے نہیں آئے ہوں گے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نو مور کوسچن, انتظار کرو. ویری گڈ, انتظار. دیکھیے صبر کا پھل ملا تو کیسا ملا پھر آج؟ ہاں مل گیا نا آج, آگے رونق چھا گئی ہے, بہت اچھا پروگرام لکھ کے آتے, بڑے اچھے اچھے ٹاپک لاتے, انتظار کرو. تھینک یو ویری مچ, سب کو دعائیں, سلام, سب کو اللہ حافظ, بہت شکریہ. فائنلی مجھے لگتا ہے سب کی اٹینڈنس لگ گئی سب نے, بٹ میرا کچھ میسجز ہیں ان کی طرف جانا بہت ضروری ہے, اور ان طرف چلتے ہیں. بیک گراؤنڈ بھی چلتا رہے گا, مجھے اعتراض نہیں ہے.
نہیں آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. سو ہمارے ساتھ اب موجود ہیں بھائی, میں جلیبی کو سیدھا کروں گا. شہزیب نے کہا, اچھا جی. شہباز نے کہا سیالکوٹ سے, تھینک یو ویری مچ, اچھی سوچ ہے آپ کی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور السلام علیکم کے بعد, جی میں خدیجہ, کیسے ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عظمت کا میسج آیا, میں بھی نہیں پڑھوں گا کہ اس نے اٹینڈنس لگا دیا کہ. اور اس کے بعد جی ہمارے ساتھ خیب خبر استری سے, میں سیدھا کر سکتی ہوتی تو اپنے ہسبینڈ کو کرتی استری. میں آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کہ اپنے ہسبینڈ کو استری کر کے سیدھا کر دیتی ہوں, اس سیدھا کر دیتی. پتہ نہیں کتنے دلوں کی آواز میں نے یہ بول دی. ایک بار استری کرنے کی کوشش کی, سارے جل گئے تھے, بڑی مشکل سے ٹھیک کیا. اللہ اکبر, بختاور صاحب سب ٹھیک تو ہے؟ علی لاہور سے, یور وائس از سو نائس, تھینک یو ویری مچ. اور نوٹ پیسہ سیدھا کر سکتے ہیں استری سے, اچھا جی. نوٹ اور پیسے کو سیدھا کرتے ہیں استری سے, اچھی بات ہے. اور یہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور استور سے آپ کا پروگرام اچھا ہے, سن کے بہت مزہ آیا, تھینک یو ویری مچ. سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, سجاد اسلام آباد سے, پروگرام بہت اچھا ہے. اور علینا سجاد کو سلام دینا ہے, جی ٹھیک ہے, دے دیا. کمال ہے یار, آپ لوگوں کی اپنی مارکیٹنگ چل رہی ہے, اچھا لگتا ہے. چلے خوش ہو جاتے ہیں, بس خوش ہو جایا کریں. This is what I want. Just make a smile. I just want every single person to smile and dial. Nothing else. تو ہمارے ساتھ جی موجود ہیں کچھ اور میسجز. ہمارے ساتھ خانی ساحلیاں موجود ہیں جو کہ گرلز گینگ کو کہہ رہی ہیں سلام دے دیں. جی میں نے دے دی سلام. مانی تلگنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں دیٹس گریٹ, تھینک یو ویری مچ. اور خانی ساحلیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آ چکے ہیں اس ٹائم پنڈال میں, ہمارے شو کے اندر تشریف لا چکے ہیں. دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. مانی تلگنگ نے میں بولا اور لاجواب خانی ساحلیاں, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ باسط احمد موجود ہیں, بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. دین وی ہیو مانی تلگنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو ویری مچ فار ایوری سنگل کنٹریبیوشن دیٹ یو ہیو ڈن ان دس شو. اور ہاں ہاں نیلا گریٹ. اور اس کے بعد جی سب کالرز کو ہم ویٹ کر رہے ہیں. اچھا جی سب کالرز بس کریں, کالرز ہم ویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. دلویز گل نے میں بولا اور ہم آخر کار آ گئے آپ کے پاس. اور جلدی جلدی ہم نے کہا کہ جی لو میں آ گئی. خانی سالین کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے, اور اب جانا پڑے گا مجھے لگتا ہے. تھینک یو مانی تلگنگ, بہت شکریہ ہمیں اتنے پیارے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کا شو کے اندر. اور آرمی والوں کے لیے ہی تو دعائیں ہیں جی, دل ویز گل کہہ رہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے آرمی والوں کے لیے ہماری کنٹریبیوشن, یہ شو, یہ سب چیزیں, یہ مسکراہٹ, یہ چاہتے ہیں, یہ پیار, یہ اس کی محبت, یہ سب کچھ, ارے وہیں تو لے کے جاتی ہیں ہمیں. کہانی خانی کی, میں نے کہانی خانی سالین کہہ رہی ہیں, براو تھینک یو ویری مچ. اور ایکسپیکٹیشنل تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد جی مانی تلا گینگ کا بہت شکریہ, رشید طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. دیٹس گریٹ لکھتے جا رہے ہیں. خانی سالین ہمارے ساتھ موجود ہیں, یو آر ڈوئنگ گریٹ مین, تھینک یو ویری مچ. خانی سالین ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. اور اس کے بعد جی آئے آپ کو سیدھا کروں سر جی, اچھا ہمیں سیدھا کرنے لگے ہیں. گریٹ ڈی جے, یو آر ویز راک, تھینک یو ویری مچ. آئی ڈیڈ مائی ویل, آئی جسٹ کنٹریبیوٹیڈ جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, میں صحیح ہوں, آئی ڈونٹ نو. بٹ کنٹریبیوشن, کوشش, ہمت, جذبہ, جنون, یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہی سب کرنے کے لیے ہم یہاں جڑتے ہیں. تمہارا یہاں ہونا ایک آواز بن کے, لائک آئی ایم ریپرزینٹنگ یو, آئی ایم جسٹ کریئٹنگ دیٹ وائس وچ بلانگس ٹو یو, وچ ڈیزروز یو. سو دس از آل واٹ آئی کین ڈو. یہاں پر بیٹھ کے صرف منہ ہلانا آسان نہیں ہوتا یار, بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں لے کر آنی پڑتی ہیں, پتے پتے سے سیکھنا پڑتا ہے, چونٹی کے قدموں کی سرسراہٹ بھی سننی پڑتی ہے, اس سے بھی سیکھنا پڑتا ہے. وہاں سے سیکھ کے تبھی یہاں پر ہم آتے ہیں. جانوروں سے پیار کرنا سیکھے, اینیمل لور بنیے. جب آپ جانوروں سے پیار کریں گے تبھی جا کے آپ کو انسانوں کی قدر کا فیل ہوگا. آپ کی گلی میں کوئی بلی, چونٹی, حتیٰ کہ جو مکوڑا بھی ہو رہا چل رہا ہوتا ہے, کوشش کیا کریں مارا نہ کریں, اس کو اٹھا کر ایزر سے سائڈ پر دیا کریں. ایکسٹریم کنڈیشنز میں مت جایا کریں, کوشش کیا کریں کہ ان کو ریزسٹ کو, کہ ان لوگوں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے, ان کی بھی زندگی ہوتی ہے, ان کو جینے دیا کریں. وہ بھی زندگی جئیں گے, خود ہی مر جائیں گے, خود ہی ان کا خود سب سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ لوگ اپنی کنٹریبیوشن کم از کم اس طرح سے مت کیا کریں. ایک چیز انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایٹ دا ویری لاسٹ, اور ہم روزانہ اس کو ڈسکس کیا کریں گے. ساؤنڈ میں نے بند کر دیا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں, میں انٹروڈیوس کرنے لگا ہوں ایک چیز. سائلینس بوائز, لسن ٹو می بوائز, جو سائلینس ہے میری آرمی ہے, میری نظر میں عورت اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں اٹھاتی ہے. بہت چیزیں ایسے جو ہم جانتے ہیں, بہت چیزیں ہم نہیں جانتے,
بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں بتاتی ہیں, بہت سی چیزیں ہمیں نہیں بتاتی, ہماری ماں بہن بیٹی, ہم سب کی بات کر رہا ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ انٹروڈیوس اے سلیوٹ. جب کبھی آپ کسی عورت کو کام کرتے دیکھیں یا کسی عورت کو پریز کریں یا کسی کو عورت کو سلام کریں تو ڈونٹ فورگیٹ آج کے بعد ہم نے ان کو سلیوٹ کرنا ہے. جسٹ گیو اے ویری بگ سلیوٹ اینڈ دس السلام علیکم وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے کبھی کوئی بندہ کسی لیڈی کو سلیوٹ کر کے سلام کرے یا اسے ملے یا اسے بات کرے, چاہے اس کی بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے. تو پلیز 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 گائز, میں نے یہ شروع کر دیا ہے. آئی وانٹ یو ٹو بی دا پارٹ آف دس اینڈ گیو اے ویری بگ سلیوٹ ٹو آل دا لیڈیز وچ یو ہیو ان یور فیملی اینڈ یور سراؤنڈنگ, وہ جو بھی ہیں. بٹ ناؤ فرام ناؤ آئی وانٹ ایوری سنگل پرسن ٹو سلیوٹ دا لیڈیز, ٹو سلیوٹ بیکاز دے ڈیزرو. They were like being a family کے اندر وہ ایک آرمی کی طرح ہوتی ہیں اور آرمی کی ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں. وی نو بیٹر دین دس. سو فروم ناؤ آنورڈز ہم لوگ کیا کریں گے, ایک ٹرینڈ لانچ کریں گے. اینڈ دیٹ از دا وی آر گوئنگ ٹو سلیوٹ ایوری سنگل لیڈی ان دا پاکستان اینڈ آؤٹ آف دا کنٹری. سو ناؤ فروم ناؤ آج کے بعد اور آج ہم ایک سلیوٹ ضرور دیں گے ہر اس جاننے والی عورت کو, ہر اس جاننے والی لیڈی کو جو ہمارے ساتھ ہے اور وہ سلیوٹ کرے گی, آپ لوگ سلیوٹ کریں گے. Don't forget, اس اسمائل کو یاد رکھیے گا جو اس اسمائل ان کے چہرے سے نکلے گی. اس اسمائل کو دوبارہ پانا ہو تو وہ سلیوٹ بڑھاتے رہنا اور اس چینل کو ہم ضرور ضرور بڑھاتے جائیں گے, بہتر کرتے جائیں گے. And now I'm heading towards my last song, my last track, my feeling, my everything will gonna come towards end and I'm leaving. No further that I'm just leaving, huh? For the sake of that, I want to just come back to you. Jaunga taunga na, my yunga, you are. Jaunga se pehle, definitely, I want to just share my poetry, some lines, which I just want to give it to you. Dena chahta hu, kuch lines aapko sunna chahenge. Aaiye sunte hain. Meri kuch likhi hui lines, jo khud apne haathon se likhkar aaj aapke samne pesh kar raha hu. So. یوں چلے گئے ہمیں وہ نیلام کر کے, بھیڑ میں کانٹوں کے نام سرعام کر کے. دیکھ لیتے جاتے وقت ایک نظر ہی ہمیں, کر دیتے ہم خون معاف ایک کاغذ پہ پیغام کر کے. حکم تو کر دیتے ایک بار اس میں جان کا, حکم تو کر دیتے ایک بار اس میں جان کا. اس جرم کو پلٹا کے ہم تیری شان کر دیتے, حقدار تھے ہم بھی تیرے عشق کی کلا کا جیسے, حقدار تھے ہم بھی تیرے عشق کی کلا کا جیسے. بانٹ دیا نور خدا نے یہاں صبح و شام کر کے, یوں چلے گئے وہ ہمیں نیلام کر کے, بھیڑ میں کانٹوں کے نام سرعام کر کے. Thank you very much, ladies and gentlemen. Don't forget to just like me, share me, and subscribe my YouTube channel where you're going to have lots of poetry with the name of the Sahil Ejaz, SHL space EJAZ, wherever you just want to just search me out. Don't forget to give me a pure feedback. اور آپ ایف ایم 101 کو چڑھائیے اور ایس کیجیے, خوش رہیے, آباد رہیے. ملتے ہیں جمعے کے دن ڈیڑھ سے لے کے تین بجے دوپہر میں. خوش رہے گا, آباد رہے گا, ہنستے رہے گا, مسکراتے رہے گا. Bye bye, good night, good sleep, take care, bye bye.